समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले जेल के भीतर मुश्किलों से दौर से गुजर रहे आजम खान को अब सेहत ने परेशान कर रखा है। कोरोना का संक्रमण हो गया है, जिसकी वजह से सीतापुर जेल में उनको लगातार इलाज दिया जा रहा था, लेकिन इसी बीच उनकी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की तबीयत बिगड़ी तो सीतापुर जेल प्रशासन ने उनको लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत अभी स्थिर नहीं है। जानकारी के मुताबिक आजम खान की तबीयत बिगड़ती जा रही है और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। वजह साफ है कि ऑक्सीजन की कमी और सीने में संक्रमण के चलते उनको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो संक्रमण है उसे ठीक होने में अभी वक्त लग सकता है, क्योंकि एक तो उम्र की बात और दूसरे संक्रमण का खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो सीने की तरफ बढ़ गया है। इस बीच अब्दुल्ला आजम की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन बीते कुछ साल आजम खान के लिए जितने मुश्किल भरे हो रहे हैं उसको देख करके हैरानी इस बात की होती है कि क्या वाकई उनकी सेहत में जो सुधार होने की गुंजाइश थी वो इसी तनाव की वजह से नहीं हो रही है या फिर कोई वजह और है। कोरोना संक्रमण की वजह से उनको लगातार निगरानी में रखा गया है, मेडिकल बुलेटिन उनकी निकाली जाती है और बताया जाता है कि उनकी सेहत में सुधार क्या है, लेकिन आजम खान के लिए बड़ा बुरा वक्त चल रहा है। इससे पहले उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला, उनकी जमीन कब्जा करने की वजह से उनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हुए, उनके बेटे को गलत जानकारी देने के आरोप में और लाइसेंस के आरोप में जेल में डाला गया और उनकी पत्नी को भी जेल भेजा गया। हालांकि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को जेल से जमानत मिल गई, लेकिन आजम खान को और उनके बेटे को अभी तक जमानत नहीं मिली है। लगातार आजम खान जिन मुश्किलों से दौर से गुजर रहे हैं उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी तमाम बार शिकायत की कि इस तरह से किसी को भी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन सेहत के मामले में आखिरकार सरकार को उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कहा यह भी जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश की कि उनकी सेहत के सुधार के लिए उनको बाकायदा किसी अच्छे अस्पताल में भेजा जाए, उसके बाद ही ये कदम उठाया गया। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आजम खान की सेहत ठीक नहीं है और उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि आजम खान न सिर्फ एक बड़े नेता हैं बल्कि मुस्लिम नेताओं का बड़ा चेहरा भी हैं। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सब साजिश के तहत किए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ी वजह यह है कि अगर आजम खान की तबीयत को लेकर के सरकार ध्यान नहीं देती है तो ये बहुत निराशाजनक होगा। बहरहाल आजम खान को मेदांता अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है, उन पर पूरी नजर रखी जा रही है और मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया जाता है, जिससे कि पता चल सके कि उसमें कितना सुधार हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले कितने दिनों में उनके सेहत में सुधार होता है और वापस वो बाहर आते हैं और उसके बाद उनको जेल में शिफ्ट किया जाएगा। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।